पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल में डिस्प्ले में फिंगर सेंसर है, तो मैं इसको जैसे ही फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच किया वैसे ही अनलॉक हो जाता है। दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में आसानी से फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच करके मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Redmi 10A मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे, यानी कि दोस्तों आप डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ की। दोस्तों देखते हैं हमारे मोबाइल में डिस्प्ले में फिंगर सेंसर है और मैंने फिंगर सेंसर पर फिंगर को टच किया वैसे ही हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में इसको कैसे सेट करेंगे। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपके मोबाइल में कोई भी लॉक नहीं लगना चाहिए। दोस्तों स्क्रीन लॉक या पैटर्न लॉक सेट नहीं होगा तभी आप अपने मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। दोस्तों आपको करना क्या है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल के जो भी लॉक है उसको हटा देना है। उसके हटाने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल में एक थीम्स नाम से एप्लीकेशन रहता है, जो कि दोस्तों आप उसको ओपन यहाँ से कर लेंगे। थीम्स नाम से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थीम्स का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, आपको थीम्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको न्यू ऑक्सी इरा, दोस्तों न्यू ऑक्सी इरा सर्च करेंगे और जैसे ही इसको सर्च करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये वाला थीम फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, रेड कलर का जो है उसको यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रीमियम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ, उसमें प्रीमियम से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ डाउनलोड करेंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, तो जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ से आपको इसको अप्लाई कर देना है और जैसे ये अप्लाई हो जाएगी थीम्स वैसे ही दोस्तों आपके मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थीम्स को सेट कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही मोबाइल को लॉक करता हूँ और लॉक करने के बाद दोस्तों इसको हम अनलॉक करते हैं, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल अनलॉक नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना जो भी कहीं भी टच करता हूँ दोस्तों हमारा अनलॉक नहीं होता। अब हम फिंगर सेंसर पे ही फिंगर को टच करते हैं वैसे ही मोबाइल अनलॉक होएगा। फिर से एक बार दिखा देते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच किया वैसे ही मोबाइल अनलॉक हो जाता है। दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में आसानी से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो से जानकारी मिली हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।